अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई द्वारा संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपति के मार्गदर्शन में विगत 2 वर्षों से चलाए जा रहे अभियान में अब तक 105 लोगों द्वारा अंगदान व देहदान किया गया, जिनका सम्मान संस्था द्वारा किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, अतिथि के तौर पर भारत श्री एवं भारत भूषण सम्मान से सम्मानित समाज सेविका श्रीमती बी पोलम्मा एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 के डॉक्टर उदय कुमार द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के पश्चात अंग एवं देहदानियों का सम्मान शॉल व श्रीफल भेंट कर किया गया। मैं वीरेंद्र सतपति, पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक, मैं सर्वधर्म सेवा संस्था का संरक्षक हूँ। देहदान से बड़ा दान और कोई हो ही नहीं सकता। कहा जाता है ना, अभयदान, अपनी जान दे करके किसी की जान बचा देना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। तो जो देहदान है या अंगदान है, ये किसी अभयदान से कम नहीं है। हम जीने के साथ जो खुशी ले रहे हैं, मृत्यु के बाद भी हम उसके वही खुशी हम ले सकते हैं, हमारे परिवार वो खुशी ले सकते हैं कि हमारे आँख से, हमारे दिए गए पेनक्रियाज से, हमारे किडनी से, हमारे लीवर से यदि किसी का जीवन सार्थक हो गया तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप इसमें भाग लें, देहदान और अंगदान दे करके समाज की सेवा करें और लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं उसको आप दूर करें। एक बोलता है कि प्लेन में 2 इंजन रहता है, अगर एक फेल हो गया तो दूसरे इंजन में जा सकते हो, अगर दूसरा इंजन फेल हो गया तो मैं उसको जवाब दिया अगर 4 इंजन लगा है, 4ों फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसा कहीं नहीं है, आप एक किडनी आपके दे करके आप दूसरे एक किडनी से अपनी जीवन बचा सकते हैं और जो एक किडनी आपका कोई लिया है वो अपनी ज़िंदगी चला सकता है। अभी आप देखे होंगे यहाँ पर पिछले 34 साल से अपनी माँ के लिए हुए किडनी से अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी माँ भी स्वस्थ है 80 साल में, वो भी स्वस्थ हैं। तो हम अपना अंग दान दे करके किसी की जान अगर बचा सकते हैं तो इससे बड़ा दान और कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। अंग दान और देहदान के इस कार्यक्रम में जितने लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, और मेरे ख्याल से नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई शंका रही होगी, हर बात का समाधान यहाँ पे विशेषज्ञ बुलाए गए थे सेक्टर 9 से जो पखवाड़ा चला रहे हैं, सभी ने अपने अपने सवाल पूछे, अभी कोई ऐसी सब सार्थक बातें हुई है। लेकिन मुख्य बातें ये हैं कि आज जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हम अपने अपने अनुभव से जानते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही है, मानव शरीर के अंगों का नाश हो रहा है, उस तेज़ी से जो है मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस अपग्रेड होना चाहिए, वो अपग्रेडेशन तभी होगा जब हम मेडिकल साइंस की ओर ध्यान देंगे। तो अभी वो नहीं होने पाने के कारण ये है कि हम अपने जो धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं ये हमें जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है हम जो मेडिकल साइंस अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। अब समय आ गया है हमें अपने धार्मिक परंपराओं को नई दिशा देने का, नई ऊंचाई देने का समय आ गया। मैं आपके माध्यम से सभी से यही विनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि एक बार अवश्य चिंतन करें, मानव कल्याण के लिए अंग दान करें, मेडिकल साइंस के लिए बहुत बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपना देह दान करें, इस विषय पर जो अवश्य विचार करें। अंगदान और देहदान दो अलग अलग टॉपिक हैं। देहदान जो होता है उसमें ज़्यादा लीगल इम्प्लिकेशन नहीं, आप फॉर्म भर के मेडिकल कॉलेज में बॉडी दे सकते हैं जो वहाँ के छात्रों को सीखने के काम आती है। पर अगर अंगदान है वो किसी दूसरे के अंग में लगेगा, दूसरे के शरीर में लगेगा, उसमें थोड़े कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और ये धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके अंगदान की चीज़ें बढ़ेंगी। लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, जागरूकता की कमी, जैसे अभी ये संस्था ने किया, सर्वधर्म संस्था ने, इस तरह के लगातार कैंपेन होते रहे तो लोगों के मन से जो भ्रांतियाँ हैं, और इसके साथ जो हमारे धर्म गुरु हैं वो बताएं कि ये अंग देने से कोई आपको अगले बार कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी जीते जी ही आप किसी के सीने में दिल बन के धड़कोगे, कोई आपके फेफड़े से सांस लेगा, कोई आपकी आंखों से देखेगा, तो यही जाके आप बाद में स्वर्ग जाती हो नरक किसी को नहीं पता, पर आप यहाँ हमेशा जिंदा रहोगे किसी के दिल में, किसी के फेफड़े में। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर उमेश खुराना है और मैं जो है
मेडिकल कॉलेज में मैंने 10 वर्ष बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरी एक हार्दिक खुशी खुशी इच्छा है कि मेरे स्वर्गवास होने के बाद में मेरे शरीर से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते रहें और समाज को अच्छे अच्छे नए नए डॉक्टर मिलते रहें। आज मैंने नेत्रदान के लिए भी घोषणा की है कि जो बच्चे हैं या जो दूसरे हैं किसी कारणवश जो उनको दृष्टि नहीं है तो वो भी इस सुंदर दुनिया को देख सकें, इसलिए मैंने आज नेत्रदान की भी घोषणा की। लोगों को घबराहट होती है इस तरह से संगठन या नेत्रदान करने के लिए, तो क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि यदि हम ये मान लें कि हम जो हैं हम एक आत्मा हैं, हम एक आत्मा हैं और बाकी जो देह है ये नश्वर है, और तो हम खुशी खुशी उसको हमको ये करना चाहिए जिससे कि दूसरों का समाज का लाभ हो सके। हमारे स्वर्गवास होने के बाद भी ये एक सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। सर्वधर्म संस्था ये जो इतना महान काम जो कर रही है, विगत कई वर्षों से हम भी सोच रहे थे कि मतलब इस प्रकार का कुछ किया जाए, क्योंकि इस शरीर का जीव मरणोपरांत तो इसका क्या होगा इसको कोई बता नहीं सकता, इसको आग के हवाले करें या मिट्टी में जैसे दफना दिया जाए, क्यों ना इस जो मृत शरीर को अगर हम मेडिकल कॉलेज में दान करते हैं तो इससे इस बॉडी से बहुत सारे बच्चों को जो प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा, वो जो हमारे जाने के बाद भी ये जो बॉडी अगर समाज के लिए काम आता है तो ये हम समझेंगे कि हमने कुछ करके गया। इसी उद्देश्य से जो है आज हमने यह निर्णय लिया कि हम भी जो अपनी इस देह दान करने का संकल्प लेकर जा रहे हैं।